डे स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में देखिए एक्सरसाइज 4D को सोल्व किया था और आज देखिए एक्सरसाइज 4E मल्टीप्लाई से रिलेटेड है एक एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है राउंड इच फैक्टर विद मोर देन 1 digit टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, एंड देन एस्टिमेट द प्रोडक्ट। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 81 into 8। अब देखिए नियरेस्ट 10 को देकर के हमको इसको सोल्व करना है। पहले एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे इसकी, लिखेंगे 81 into 8 और इस साइड में हम इसको करेंगे, यहां से हम नियरेस्ट 10 वैल्यू लेंगे इसकी। तो देखिए यदि यहाँ पे 1 digit 5 या 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये 5 से लेस देन है 1 digit यूनिट digit यहाँ पे, तो इसका छोड़ देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 से कम है तो इसलिए हम इसके नियरेस्ट 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। इंटू 8 का नियरेस्ट 10 कितना हो जाएगा 10। यहां पे हमने लिया है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। यहां पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां भी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 लिखने के लिए एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे और नियरेस्ट 10 की वैल्यू निकालेंगे। 8 1 8 और 8 8 64, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी एंड एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 है, 2 0 पुट कर लेंगे। नाउ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8 8, एस्टिमेटेड वैल्यू कौन सी हो गई 800, ठीक है। ये हो गई एक्चुअल वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट 27 multiplied by 28। यहां एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे और यहां इसमें राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 और नीचे भी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 को 1 ऐड करके इसमें आगे ऐड करते हैं, यानी कि 1 10 मान लेंगे, इसको आगे ऐड करते हैं, जाएगा 30। 27 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 30 और 28 का भी 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, 8 का टेबल 7 टाइम 8 7 जा 56 कैरी 5 8 2 16 और 5 20 0 करेंगे यहाँ पे 2 7 14 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 ऐड कर देंगे 6 5 7। ये हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यू। नाउ यहाँ देखिए एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे, 2 0 पहले पुट कर लेंगे, 0 0 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3 3 9, ये हो गई हमारी 900 एस्टिमेट वैल्यू। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको राउंडिंग फेयर में नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 देखो कैसे लेना है। क्वेश्चन सेकंड का ये पार्ट 417 multiplied by 231। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे और इधर राउंडेड वैल्यू एस्टिमेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेना है नियरेस्ट 100, क्या लेना है नियरेस्ट 100, यहाँ भी नियरेस्ट 100 लेना है। तो इसका नियरेस्ट 100 होगा, देखो नियरेस्ट 100 में आपको 10th डिजिट देखनी है और यहाँ पर यदि 5 5 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे
यहाँ से 1 ऐड कर देंगे, यदि ये 5 से लेस देन वैल्यू है 10 की तो यहाँ से यहाँ 0 करें, यानी कि 400 करें, ये जगह 400। यहाँ पे भी 10 डिजिट जो है वो 3 है, 4 से 5 से लेस देन है तो यहाँ पे 200, यदि ये 5 से ग्रेटर हो तो 300 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का टेबल पड़ेंगे 7 टाइम, 1 7 7, 1 1 1 और 1 4 का 4। अब 3 का टेबल 7 पड़ेंगे, 3 यहाँ पे 0 पुट करेंगे 30 है, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 कैरी गए हैं 5, 3 4 जा 12, 200 200 इन 20 पुट कर लेंगे यहाँ पे, 200 इसके जो है वैल्यू है नेक्स्ट है 100। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 3 है ये, ठीक है, 2 4 जा 8 इनको ऐड कर देंगे तो 7 2 13 कैरी 1 1 और 2 3 और 3 6 और 9। ठीक है, ये तो हो गई इसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। और यहाँ पे स्टेटमेंट वैल्यू डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे 20 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 40 पुट करने के पहले 1 2 3 4 और 2 4 जा 8, ये हो गई इसकी एस्टिमेट वैल्यू। नाउ आपको देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं, यहाँ पर इस्टीमेट इसके जो नियरेस्ट 100 होगा 700 और यहाँ पर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर है तो ये नियरेस्ट 100 जो है 300। ठीक है, यदि 10 डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो आगे 100 बढ़ा देंगे, 200 से 300 हो जाएगा ये, और यदि 5 से लेस देन है तो ये 700 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके नियरेस्ट 100 हो जाएगा, टाइप से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन भी करके पूछ सकते हैं।